नमस्कार, आज बात करेंगे थ्रोट इन्फेक्शन के बारे में। वैसे तो मेरे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है जिसका नाम है नेचुरल क्योर टू थ्रोट इन्फेक्शन। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि थ्रोट इन्फेक्शन होता कैसे है, क्यों हो जाता है, जिसको आज के इस वीडियो में मैं टच नहीं करूँगा। आई विल कीप दिस वीडियो शॉर्ट टुडे, तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। गले में एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, जिससे स्ट्रेप थ्रोट हो जाता है, जो गले में खराश हो जाता है और वहाँ से थ्रोट इन्फेक्शन शुरू होता है, फिर सर्दी खांसी ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आई स्ट्रांगली रिकमेंड। उस वीडियो में मैंने एक काढ़ा बताया था जिसको पी करके हमको अपने गले के टेम्परेचर को 1 से 2 डिग्री तक, आधे घंटे तक 1 से 2 डिग्री ऊपर रखना होता है गले के टेम्परेचर को, तो ये सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और उसी दिन ठीक हो जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू क्योर थ्रोट इन्फेक्शन। तो वो वाला मेथड भी काम करता है और ये वाला मेथड उससे बेहतर काम करता है। तो जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि रात को हम एसी कमरे में सोए हैं, या फिर आप ट्रेन की जर्नी करके आए हैं एसी डब्बे में, या फिर फ्लाइट में एसी की हवा लग गई और फिर सुबह गला दर्द होता है, लगता है टॉन्सिलाइटिस हो गया है। तो टॉन्सिलाइटिस के केस में भी सर्दी खांसी, गले में दर्द हो, स्ट्रेप थ्रोट, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सब में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है ये मेथड। तो करना क्या है कि बेसिकली वी एम टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आर थ्रोट बाय 1 to 2 degrees फॉर 30 मिनट्स। ऐसा करेंगे तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए आप एक कप में आधा कप पानी ले लीजिए और उसको आप गर्म कर लीजिए, एकदम बॉइलिंग हॉट। चाहे आप इसको माइक्रोवेव में रख देंगे, 1 मिनट तो गर्म हो जाएगा, या फिर आप इसको गैस पे गर्म कर सकते हैं। तो इस एक कप में आधा कप पानी है और उससे स्टीम निकल रहा है। हमको मुंह से स्टीम नहीं लेना है, नाक से लेना है। क्या करना है, इस कप को आपको नाक के पास ऐसे रखना है और सांस उसी में लेना है। उसी कप में जब आप सांस छोड़ेंगे तो ज़्यादा स्टीम निकल के आएगा। तो यू नीड टू ब्रीद इन इनटू द कप जिसमें हॉट वाटर है। ये आधा कप गर्म पानी लगभग 4 से 5 मिनट तक चल जाएगा। तो इसको आपको 6 बार रिपीट करना चाहिए आधे घंटे के लिए। जैसे अगर आप माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं तो जैसे बोरोसिल का ग्लास में, जो बोरोसिल का कप होता है, उसमें आधा कप पानी माइक्रोवेव में डालिए, 1 मिनट में गर्म हो जाएगा, और उसको निकालिए और सांस उसमें लेना शुरू कीजिए, और आधे कप में एक और कप, आधा कप पानी को माइक्रोवेव में लोड करके रखिए। जैसे ही 4 मिनट पूरा होगा उसको ऑन कर दीजिए, तब तक वो गर्म हो जाएगा। 5 मिनट में ये एक कप का पानी ठंडा हो जाएगा, फिर वो दूसरा लीजिए, फिर ऐसे ही रोटेट करते करते आपको आधे घंटे में 6 बार करना होगा, जिससे कि आपका 5-5 मिनट, आधा घंटा पूरा हो जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो यू विल नोटिस रिलीफ, बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। और कई बार मैंने लोगों को ये रिकमेंड किया है और लोगों ने मुझे बताया है कि एक बार में ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, अगर पूरा आराम नहीं आया है तो। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा मेथड था जो मैं चाहता था आज शेयर करना, कि थ्रोट इन्फेक्शन का क्विकेस्ट नेचुरल क्योर क्या है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है नेचुरल क्योर टू थ्रोट इन्फेक्शन, वो जो पहले वाला वीडियो है वो भी बहुत अच्छा मेथड है, वो काम करता है, काढ़ा वाला मेथड। तो उसको एक बार देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा हो तो। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख के पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एन्जॉय लाइफ। नमस्कार।